गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्टिंग कि सब कुशल होंगे, सारे लोग अच्छे होंगे। या इट्स रियली अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है हम लोगों के लिए, एंड चारों तरफ नेगेटिविटी ही है। लॉकडाउन तो कोरोना, न्यू चैनल खोलो तो इतने सारे रिकॉर्ड तो इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे 2020 के मैचे चल रहे हों। अजीब सी एक सन्नाटा है इस पूरे माहौल में, और उन तमाम लोगों के लिए तो सही में बहुत मुश्किल है जिन्हें घर पर रहने की आदत ना हो और घर पर रुकना पड़े। मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं अपने ही बात करूं, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई सुबह से शाम तक आप घर पर बैठे हो। आज संडे है और सुबह सो के उठने के बाद मैंने ये सोचा भाई क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि भाई हमारा भी टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाए और आप तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। तो मैंने सोचा भाई एक काम करते हैं कि भाई आज जो मेरी YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल में मैंने बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं। ओरेकल के तो बहुत सारे कंटेंट हैं। मुझे लगता है कि यदि आप उस YouTube चैनल्स के ओरेकल के कंटेंट को फॉलो करोगे, मोर लेस एवरीथिंग इज देयर। कैसेंड्रा, मोंगो डीबी जो NoSQL डेटाबेसेस हैं उसके भी कंटेंट मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। मतलब कैसेंड्रा कंप्लीट है मोर लेस, आप समझ सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं बची हुई जो मैं डालूंगा। मोंगो डीबी भी मैक्सिमम जो आपके मतलब की चीज़ें हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। वेब डिज़ाइन से रिलेटेड भी कई चीज़ों को मैंने वहाँ पर डाल रखा है। पाइथन की वीडियो ऑलरेडी हमारे पास रेडी हैं, हमें बस कुछ उसमें एडिट करनी है और मैं उसे भी अपलोड करूँगा। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं .NET की वीडियो को लेकर आऊँ, चूँकि .NET मेरा मेजर कंसर्न रहा है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है और मेरी प्रोफाइल रही है। और लेकिन .NET में अभी तक मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। रीज़न ये रहा कि एक .NET में तो वीडियो की में कई सारी चीज़ों को डालना होता है, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और तो अभी टाइम ही टाइम है हमारे पास, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। तो मैंने ये सोचा भाई आज मैं .NET की वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, पूरी .NET की सीरीज़। और हमारी कोशिश ये होगी कि आपको मैं .NET आपका शुरू करवाऊँ और कम से कम वीडियोज़ में मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लूँ। और इस लॉकडाउन के टाइम में, इस टाइम में देखो लॉकडाउन अपनी जगह पे है, दुनिया तो चलनी है। ऐसा तो है नहीं कि ये कोरोना और ये तमाम जो चीज़ें हैं दुनिया ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा भाई। ठीक है, पैनिक सिचुएशन है, हमें तो आगे का भी देखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्लेसमेंट टाइम होगा आने वाले टाइम में। अब उस प्लेसमेंट्स के लिए आपको तैयारी तो करनी होगी। अभी आप थोड़ी सोचोगे नहीं लॉकडाउन है, भाई लॉकडाउन है तो ठीक है, लॉकडाउन तो ख़त्म भी होगा, ये चीज़ें हटेंगी भी, तो हमें तो फ्यूचर्स के लिए रेडी होना होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्लेसमेंट जो होगा हाई कंसर्न होगा, उनको जॉब चाहिए होगी, तमाम जो चीज़ें हैं। तो आज मैंने सोचा कि भाई .NET का वीडियो मैं लेके आता हूँ, और उस .NET की वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ ही वीडियो बनाऊँगा। लेकिन हाँ, वो जो वीडियो होंगी लंबे वीडियो होंगी, और हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर कर लूँ कुछ कम वीडियो में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो होने के बाद लोगों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आप सारी वीडियो को देखना, यदि हमें पता लगे कि 20 वीडियो हैं, 25 वीडियो हैं, तो देखना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो बेहतर यह है कि भाई मैं कम से कम वीडियो में आपको पूरी .NET करवा दूँ। तो अभी जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट .NET का ये जो सीरीज है, इनिशियली मैं इसमें C# को कवर करूँगा। C# को कवर करने के बाद मैं यहाँ पे ASP.NET स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद हम आएंगे .NET कोर के ऊपर। यहाँ पे मैं जो हमारा MVC है उसे भी कवर करूँगा। .NET के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ों को मैं लेके आऊँगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ .NET का सीरीज़, और मैं आपको बताऊँ कि और भी कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन वीडियो को भी मैं डालूँगा। थोड़ा सा देख लेता हूँ जैसे हमारी अवेलेबिलिटी होती है। बीच में मैंने कई सारी वीडियो डाले हैं, 4-5-6 लगातार वीडियो डाली हैं, और आप उन वीडियोस को देख सकते हो और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इट्स नॉट द टाइम फॉर द पैनिक। भाई आप पैनिक होकर कर क्या सकते हो, नथिंग इन आवर हैंड, सो व्हाट वी कैन डू। ओके, आगे की हम बात करें, थिंक फॉर द फ्यूचर। भाई हम क्या कर सकते हैं इस लॉकडाउन टाइम का, इस छुट्टी का यूज़ कर सकते हैं। भाई हम ऐसा क्यों ना करें कि एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरे चैनल पे ही जाओ, मेरी वीडियो को ही देखो। लेकिन हाँ, जो वीडियोस हैं अच्छे हैं, मैंने बनाया है, वो चीज़ें हैं आपके मतलब की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें अननेसेसरी की बातें नहीं है, लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं हैं,
उसमें वही है जो आपको मतलब की चीज़ें हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ और डॉट नेट को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आज हमें ये समझनी है और ये जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली द डॉट नेट इज। सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि डॉट नेट है क्या, क्यों बनाया गया, इसको किसने बनाया, कब आया, क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जो ये डॉट नेट है, मैंने अक्सर सुना है कई लोगों से, इवन कॉलेजेस में टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कर डालते हैं कि भाई ये बताओ डॉट नेट में ये डॉट का क्या मतलब है। अच्छा जी, कुछ लोग आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं, अच्छा ये बताओ डॉट नेट का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ लोग आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं, अच्छा ये बताओ, मैंने देखा है कई लोगों के रिज्यूमे वगैरह में लैंग्वेज और लैंग्वेज में लिखा होता है डॉट नेट। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे पहले मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर करूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ यहाँ पे ये जो डॉट नेट है, डॉट नेट में ऐसा डॉट का कोई मतलब नहीं है। मैंने भी नेट पे सर्च करने की कोशिश करी और काफ़ी चीज़ें सर्च करी और माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि डॉट नेट में डॉट का क्या मतलब है। लेकिन इंटरनेट पे जो मैंने कुछ चीज़ें देखी बड़ी सरप्राइजिंगली और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने देखी। अब कुछ लोगों ने लिखा कि डॉट का मतलब होता है यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्सल, जैसे कोरोना भी यूनिवर्सल हो गया ना, तो लोगों को लगा कि भाई डॉट नेट भी यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या। तो डॉट का कुछ लोगों ने मतलब बताया यूनिवर्सल, यूनिवर्स। डॉट में कुछ लोगों ने बताया कि डॉट नेट, अच्छा ये जो नेट मतलब इंटरनेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेट मतलब इंटरनेट या नेट मतलब नेटवर्किंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने बताया भाई डॉट नेट का मतलब नेटवर्क में, चूंकि क्या होता है आईपी एड्रेस होती है, आईपी एड्रेसेस के अंदर हम डॉट यूज करते हैं, इसीलिए लोगों ने बोल दिया जी अच्छा ये डॉट और नेट। तो याद रखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है कि डॉट नेट में डॉट का क्या मतलब है या नेट का मतलब नेटवर्किंग है। याद रखेंगे कंप्यूटर्स में ये फुल फॉर्म नहीं होते। अब सी का क्या फुल फॉर्म है, अब अननेसेसरी मैं बोल दूँ नहीं सी का मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब जावा का क्या फुल फॉर्म है, ओरेकल का क्या फुल फॉर्म है, पाइथन का क्या फुल फॉर्म है, उसी तरह से ये कोई फुल फॉर्म की बात नहीं है। तो डॉट नेट इज बेसिकली इट्स अ ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम है ये डॉट नेट, पहली चीज। दूसरी चीज़, डॉट नेट का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। अब ये नहीं कि आप अपने मन से बोल दें नेटवर्किंग या इंटरनेट, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आ जाए दूसरी चीज़, सबसे पहले ये जो डॉट नेट है इट्स अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है, वो जो बिलगेट भाई साहब है ना, बिलगेट भाई साहब की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने बनाया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, इट्स नॉट द कं लाइक फ्रॉम द ओरेकल कॉर्पोरेशन और द IBM, इट्स अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, नंबर वन। नंबर टू, डॉट नेट किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। हम लोग की आदत होती है भाई हम किसी भी चीज़ को लैंग्वेज बना देते हैं, जावा क्या है लैंग्वेज है, सी क्या है लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस क्या है लैंग्वेज है, चूंकि हमारी आदत बन गई है लैंग्वेज लैंग्वेज। तो यदि आपसे कोई पूछता है रैंडमली कि डॉट नेट क्या है, तो हम नॉर्मली बोलते थे अच्छा जी डॉट नेट एक लैंग्वेज है, या कई सारे लोग मिलते हैं बोलते हैं सर मुझे डॉट नेट करनी है, अच्छा जी, तो वो ये नहीं बोलते डॉट नेट करनी है, मुझे लैंग्वेजेस करनी है, लैंग्वेज में क्या करना है, वही डॉट नेट करना है। याद रखें डॉट नेट किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है, डॉट नेट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, डॉट नेट किसी पैकेज का नाम नहीं है। तो अल्टीमेटली ये डॉट नेट है क्या, तो डॉट नेट इज बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ये हमारा एक फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड लाइब्रेरी। क्लासेस और लाइब्रेरी के कलेक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क मतलब ये है कि डॉट नेट के अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे क्लासेस बने हुए हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, फंक्शंस लिखी हुई हैं, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम स्क्रैच। जो क्लासेस बनी हुई हैं, जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, उनको आपको यूज करना है बस। मतलब ये नहीं करना है कि भाई ऑलरेडी आपको, यू डोंट नीड टू क्रिएट इट फ्रॉम द स्क्रैच, व्हाट यू नीड टू डू इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट, यू जस्ट नीड टू यूज़ इट। तो हमें समझना क्या है, जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमें ये समझना है कि भाई उन क्लासेस को हम यूज़ कैसे करेंगे, किस काम को करने के लिए कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम उसे यूज करेंगे। तो जब कभी भी हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड लाइब्रेरी। और ये जो हमारी फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क एग्जैक्टली करता क्या है, किसी खास काम को करने के लिए हमारे फ्रेमवर्क होते हैं।
तो ये जो हमारी .NET एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क का यूज करके हम कर क्या सकते हैं, दैट्स द मेजर कंसर्न। याद रखें कि ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क का मेनली जो यूज है फॉर इंटरनेट प्रोग्राम, यानी कि जब कभी भी आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग, अब इंटरनेट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपको वेबसाइट बनानी है, वेब पेजेस बनाने हैं, तो जब कभी भी आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग करनी है, फॉर दैट पर्पस वी कैन अप्लाई द .NET। इट्स नॉट ओनली फॉर द इंटरनेट प्रोग्रामिंग, अभी हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने हैं, अभी हमें विंडोज एप्लीकेशंस बनाने हैं, फॉर दैट पर्पस व्हाट एग्जैक्टली वी रिक्वायर्ड, भाई हम यहाँ पे .NET की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली द डेस्कटॉप और विंडोज एप्लीकेशंस, इट्स नॉट ओनली द इंटरनेट प्रोग्रामिंग, इवन यू कैन गो फॉर द मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स यदि आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। .NET के अंदर हमारा Xamarin होता है, बाय द यूज ऑफ Xamarin वी कैन क्रिएट द मोबाइल ऐप्स एंड ऑल। इट्स नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, .NET के अंदर इवन वी कैन डू द सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑल्सो। अब मैं आपको बताऊं कि .NET इकलौती एक ऐसी फ्रेमवर्क है, अपने आप में एक अकेला ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके चाहे तो आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग कर सकते हो, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकते हो, चाहे विंडोज एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाई जा सकती है इसके अंदर। तो ये जो हमारा .NET है, ये बेसिकली क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, एंड दिस फ्रेमवर्क मेनली यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग और फॉर द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस और इवन फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। नो, अब यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ .NET में कि इसका एडवांटेज क्या है, भाई हम .NET की तरफ ही क्यों मूव करें, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, .NET का एडवांटेज क्या है। तो .NET के साथ जो मेजर कंसर्न है, जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने इतने दिनों में फील करा है, .NET के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। .NET की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग लैंग्वेज न्यूट्रल भी बोलते हैं। देखो .NET के अंदर इट्स हैविंग सपोर्ट फॉर मोर देन 50 लैंग्वेजेस, 50 से ऊपर लैंग्वेजेस की सपोर्ट है .NET के अंदर। .NET में ये जरूरी नहीं है कि मैं C# में ही कोड लिखूं, .NET में जरूरी नहीं है कि मैं VB.NET में ही कोड लिखूं, .NET के अंदर जरूरी नहीं है कि मैं VC++.NET में ही कोड लिखूं, VC++.NET में कोड लिखूं। मेरे कहने का मतलब .NET हैविंग सपोर्ट फॉर द मल्टीपल लैंग्वेजेस, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके .NET में काम कर सकते हो। हाँ, .NET का जो मेजर लैंग्वेज है वो C# है। नॉर्मली जब हम .NET की बात करते हैं तो नॉर्मली हम C# की बात करते हैं, बट इट्स नॉट ओनली द C#, इवन यू कैन राइट द कोड इन द VB.NET, इवन यू कैन राइट द कोड इन द VC++.NET, F# इज देयर, J# इज देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मैंने बताया ना इट्स हैविंग सपोर्ट फॉर मोर देन 50 लैंग्वेजेज। तो .NET के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस के सपोर्ट हैं। अब आप बोलोगे सर इस मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट का मतलब क्या है, इसका हम करेंगे क्या। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो मैंने C# के अंदर एक फंक्शन बनाया, sum, और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं C# में तो कॉल कर ही सकता हूँ, C# में तो यूज करूँगा, ये जो फंक्शन है इसको मैं VB.NET में भी कॉल कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी, यानी कि मैंने लिखा है तो C# में और मैं उसे कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, VB.NET में। ये वही बात हो गई कि C++ में आपने कोई मेथड बनाया और C++ के मेथड को यू नीड टू कॉल इन द जावा, और आपने जावा में कोई मेथड बनाया, उस मेथड को आप C++ में कॉल करना चाहते हो। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि C++ के मेथड को हम जावा में कॉल करें या जावा के मेथड को C++ में कॉल करें, तो उसके लिए एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और गलती से या मतलब जो भी मैंने उस पर काम किया है, गलती ये, अब आप बोलोगे सर आपने क्यों बोला गलती, दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज कॉर्वा, बाय द यूज ऑफ कॉर्वा यू कैन वर्क विद दैट। कॉर्वा में यही होता था, यार ये मैंने क्यों गलती बोला, क्योंकि मैं कर क्यों नहीं पाया, क्योंकि 2-3 सेशन में एक प्रोग्राम रन करता था, 2-3 घंटे के बाद एक प्रोग्राम रन करता था, और उसमें भी दसियों एरर आते थे, फिर हमने उसे वहीं पे छोड़ दिया। भाई थोड़ी बहुत हमने जावा भी करी होगी इस .NET से पहले, तो वहाँ पे मैंने कॉर्वा को लेके काम करना शुरू किया था, लेकिन
उसके बाद मैंने किसी को करते हुए भी नहीं देखा, इसलिए मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। ओके लिव इट, इट्स अनदर थिंग। नाउ द थिंग इज दैट कि भाई डॉट नेट के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखते हो, वेदर इट्स अ सी शार्प, वेदर इट्स अ वीवी डॉट नेट, आप वहाँ के कोड को दूसरे लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी। तो डॉट नेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अदर देन दिस, आज के डेट में यदि मैं बात करूँ तो डॉट नेट हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है। पहले ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता था, जो पहले ये विंडोज़ के लिए, देखो कहने की बात है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इनकी, लेकिन हकीकत ये है कि डॉट नेट मेनली विंडोज़ के लिए बना है। भाई मेनली मैं ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डॉट नेट किसका प्रोडक्ट है, इट्स अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ किसका प्रोडक्ट है, इट्स अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो एक बेस्ट कंपैटिबिलिटी होती है। लेकिन हाँ, आज की डेट में यदि मैं डॉट नेट को लिनक्स में यूज़ करना चाहूँ तो वहाँ पे एक मोनो सॉफ्टवेयर आती है, इट्स अ ओपन सोर्स, मोनो का यूज़ करके मैं लिनक्स में यूज़ कर सकता हूँ। और ये जो हमारा डॉट नेट कोर आया है, इस डॉट नेट कोर इज़ टोटली इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड इट्स नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। शुरुआत की जो डॉट नेट थी वो विंडोज़ के लिए बनी थी, लेकिन बाद में जो हमारा डॉट नेट कोर है, इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डॉट नेट कोर के साथ एक और फ़ायदा है, इट्स एन ओपन सोर्स। जो शुरुआत में डॉट नेट थी वो ओपन सोर्स नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में जो ये डॉट नेट है, जो डॉट नेट कोर की हम बात करते हैं, वो अपने आप में एक ओपन सोर्स है। तो पहले ये चीज़ हम नहीं लिखते थे नॉर्मली सेशंस में कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी ओपन सोर्स, लेकिन आज के डेट में हम मेंशन करते हैं बिकॉज डॉट नेट कोर इज बेसिकली इट्स ओपन सोर्स, जो हमारा इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आज के डेट में हम ये बात भी करते हैं। डॉट नेट के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, हैविंग सपोर्ट फॉर पॉइंटर। यदि आपको याद हो सपोर्ट फॉर पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर का भी सपोर्ट है। अब चूंकि यहाँ पर पॉइंटर का भी सपोर्ट है तो आप यहाँ पर सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि भाई यदि आप जावा के बारे में जानते हो तो जावा के अंदर पॉइंटर का सपोर्ट नहीं है, डॉटनेट के अंदर पॉइंटर का सपोर्ट है। बिकॉज यहाँ पे पॉइंटर का सपोर्ट है, दैट्स वाई इवन यू कैन राइट द सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑल्सो। आप यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यू कैन डेवलप द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द डॉटनेट। और ऐसा हुआ है, इट्स नॉट कि मैं आपको बोल रहा हूँ, विंडोज़ के कई वर्सन्स हैं जो कि पूरी डॉटनेट में लिखी गई हैं जी। अब आप मुझे बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो पॉइंटर है, तो पॉइंटर तो, अब ये तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि आप जावा बैकग्राउंड से आते हो तो नॉर्मली जावा में जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो गुरुजी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जावा में पॉइंटर नहीं होता फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस बात को एग्री नहीं करता और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी एग्री नहीं करेंगे। मुझे आप एक बात बताएं, दुनिया में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनी है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे मैक हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनी है? आइदर इट्स रिटन इन सी, सी प्लस प्लस, और सी एन सी प्लस प्लस में क्या यूज़ हुआ है? इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक इट्स अ पॉइंटर इज देयर, तो क्या वो सिक्योर नहीं है? तो मैं मतलब नहीं मानता इस बातों को कि भाई पॉइंटर है तो प्रॉब्लम होगी। पॉइंटर इज द गुड थिंग, पॉइंटर एक स्ट्रेंथ देता है आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो यहाँ पर पॉइंटर्स के भी सपोर्ट हैं डॉट नेट के अंदर। डॉट नेट के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भाई यहाँ पे हैविंग सपोर्ट, हैविंग गुड सपोर्ट, गुड सपोर्ट इन द टॉप। देखो सर, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। देखो आज के डेट में हम कई सारी कंपनियों की बात करते हैं, हम गूगल की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, ओरेकल कॉर्पोरेशन की बात, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अच्छी बातें, लेकिन आपको ये तो मानना होगा ना कि माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक लीडिंग कंपनी है और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो उसका एडवांटेज तो आपको मिलेगा। आज की डेट में मैंने देखा है कि लोग ओपन सोर्स की बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी ओपन सोर्स में काम करता हूँ, कई सारे ओपन सोर्स को लेकर मैं काम करता हूँ। लेकिन देखो यदि आप पर्सनली मुझसे सजेशन लोगे तो मैं तो इस ओपन सोर्स से परेशान हो चुका हूँ। इन ओपन सोर्स के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती कि यू आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको सपोर्ट देना बड़ी बात होती है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, डॉटनेट के अंदर जो सबसे अच्छी बात हैविंग गुड सपोर्ट बाय द माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी। यदि माइक्रोसॉफ्ट के किसी प्रोडक्ट को आप यूज करते हो तो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, आप ट्रस्ट कर सकते हो, हैविंग सम प्रॉब्लम यू विल गेट द सपोर्ट एंड ऑल। सो सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भाई जो हमारा डॉट नेट है बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क,
.NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप क्या काम कर सकते हो, .NET का एडवांटेज क्या है, हैविंग मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हैविंग सपोर्ट फॉर द पॉइंटर्स एंड ऑल, हैविंग गुड सपोर्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो .NET के अंदर जो हमारा कंसर्न है यहाँ पे, .NET की अपनी आर्किटेक्चर होती है, .NET की अपनी आर्किटेक्चर होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी आर्किटेक्चर, यदि मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो अपने आप में ये एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि .NET की आर्किटेक्चर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और कैसे काम होती है यहाँ पे। देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि .NET के अंदर हैविंग सपोर्ट फॉर द मल्टीपल लैंग्वेज, यहाँ पे कई लैंग्वेजेस के सपोर्ट है, यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ सी शार्प में मैं काम कर रहा हूँ, या मान लो मैं वीबी .NET में काम कर रहा हूँ, या मैं अदर लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, जितने भी लैंग्वेज होंगे सभी लैंग्वेज के अपने कंपाइलर होंगे, सी शार्प के कंपाइलर होंगे CSC, वीबी .NET का कंपाइलर होगा VBC, अदर लैंग्वेज के अपने कंपाइलर होंगे और ये यहाँ पे कंपाइल करने के बाद आप जो प्रोग्राम लिखते हो, सी शार्प में आपने प्रोग्राम लिखा या वीबी .NET में आपने प्रोग्राम लिखा या अदर लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा, आप जो भी यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हो प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद ये बनाता क्या है, ये यहाँ पर कंपाइल होने के बाद MSIL बनाता है। MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो यहाँ पे कंपाइल होने के बाद आपका ये जो फाइल बनता है वो MSIL बनता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। आपको याद होगा कि आपने जावा बैकग्राउंड से आप हो तो जावा में कंपाइल होने के बाद क्या बनता है, बाइट कोड बनता है, यहाँ पे कंपाइल होने के बाद MSIL बनता है। और ये जो हमारा MSIL है, इस MSIL को रीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे CLR होता है, जैसे जावा में हमारे पास JVM होता है, इस MSIL को रीड करने के लिए हमारे पास CLR होता है। CLR का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और ये जो हमारा CLR होता है, इस CLR को रीड करने के लिए हमारे पास CLR क्या करता है, इस आपने जो भी प्रोग्राम बनाया वो कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद MSIL बना, और MSIL को रीड कौन करता है, CLR, और CLR रीड करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है कि इसमें .exe में, तो यहाँ तो फाइनल जो आउटपुट मिलता है वो .exe के फॉर्मेट में मिलता है। आप यहाँ पर .exe के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी, मतलब आपने किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम वहाँ पर कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद आपको यहाँ पर जो CLR होता है वो उसको कन्वर्ट कर देगा .exe में। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे आप सी शार्प में कोड लिखते हो, चाहे आप VB.NET में कोड लिखते हो, फाइनली जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, .exe मिलता है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द .exe, एग्जैक्टली जब हम कंपाइल करते हैं तो जो हमारा कोड है वो MSIL में कन्वर्ट होता है। इस MSIL को रीड करने के लिए कौन बैठा होता है, CLR बैठा होता है, CLR उसको कन्वर्ट करता है कि इसमें .exe में, तो फाइनली जो हमें मिलता है .exe मिलता है। तो एक मोटे तौर पे .NET की ये आर्किटेक्चर है। अब देखो कई लोग हो सकते हैं मेरे से बात करें कि भाई यहाँ पे JIT कहाँ गया, गार्बेज कलेक्टर कहाँ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, यदि मैं आर्किटेक्चर के ऊपर बात करूँ तो ये एक लंबा चौड़ा एक अलग से चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, तो मैं उसके ऊपर अलग से बात करूँगा अलग वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊँ .NET के अंदर मोटे तौर पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया .NET होता क्या है, .NET करता क्या है, .NET के अंदर है क्या। आज के बाद जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी ये नहीं बोलना है कि .NET एक लैंग्वेज है, नंबर वन क्या है ये, एक फ्रेमवर्क है। कभी ये नहीं बोलना है कि .NET के अंदर भाई हम यहाँ पे केवल सी शार्प में ही कोड करेंगे, जी नहीं, आप वीबी .NET यूज कर लो, आप C++.NET कर लो, आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहो .NET के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। याद रखेंगे .NET में आप इंटरनेट एप्लीकेशन बना सकते हो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो ये सारे हमारे अलग .NET। कई लोग हो सकते हैं बोलेंगे भाई .NET हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो उनके लिए जवाब है कि .NET में जो कोड है .NET कोड इट्स टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, .NET हमारा ओपन सोर्स है, यू डोंट नीड टू परचेज द लाइसेंस फॉर द कोड एंड ऑल, सो हमारा ये अपने आप में एक ओपन सोर्स है। और .NET के अंदर हैविंग सपोर्ट फॉर द पॉइंटर, अब चूंकि पॉइंटर है तो इसकी अपनी आप एक स्ट्रेंथ है, इवन यू कैन राइट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द .NET। और ये .NET की आर्किटेक्चर है, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करते हो, हर एक कोड को यहाँ पे हर एक आप जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम करते हो उसकी अपनी कंपाइलर होती है, वो उसको कन्वर्ट करता है MSIL में, और ये जो MSIL होता है उसको रीड करने के लिए बैठा होता है CLR, एंड फाइनली वो निकाल के आपको देता है .exe। तो मतलब यहाँ पे कंपाइल करने के बाद आपको .exe फाइल मिलती है।
तो दिस वॉज माई फर्स्ट चैप्टर लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट नेट. डॉट नेट है क्या, करता क्या है. अब हम बात करेंगे यहाँ पे सी शार्प की. याद रखना इसको लिखा जाता है सी हैश, और जब हम पढ़ने की बारी आती है तो इसको हम बोलते हैं सी शार्प. अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों है यार, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है. मैंने भी नहीं समझा, माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इसको हैश लिखो शार्प पढ़ो. अब है लोग बोल रहे हैं भाई, बड़े बड़े लोग हैं ये, तो ये जो बोल रहे हैं उन बातों को हम मान लेते हैं. तो आपको लिखना है सी हैश लेकिन पढ़ना है सी शार्प. कभी इसको सी हैश नहीं बोलेंगे, ऑलवेज यू नीड टू प्रोनाउंस दैट सी शार्प. इसको हम सी शार्प बोलते हैं. अब अरे मैं मोटे तौर पर बात करूँ भाई सी शार्प हमारा क्या है, तो मैं सिंपली बोलूँगा ये एक लैंग्वेज है. जैसे हम बात करते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये एक लैंग्वेज है. सी शार्प भी एक लैंग्वेज है. हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, कई लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाती है कि अच्छा पहले सी था फिर सी प्लस प्लस आया फिर सी शार्प आया. ऐसी कोई बात नहीं है. सी एंड सी प्लस प्लस से सी शार्प का कोई संबंध नहीं है, याद रखें. ये कम्प्लीटली एक इंटायर एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है. तो हमारा ये जो सी शार्प है ये बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं. अब थोड़ा सा मैं इसके डिटेल में जाता हूँ, तो यदि मुझे डिफाइन करना हो सी शार्प क्या है तो मैं बोलूँगा इट्स ए काइंड ऑफ .NET compatible object oriented event driven component oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोला कि ये .NET कंपैटिबल होता है. .NET कंपैटिबल का मतलब इट बेस्ड ऑन द .NET आर्किटेक्चर. ये .NET के फिलोसफी को फॉलो करता है भाई. .NET के अपने लाइब्रेरीज हैं, अपने क्लासेस हैं, उनको ये यूज़ करता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड .NET के अंदर सारा कुछ यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टर्म में ही आप यूज़ करते हो. इवन यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत क्लास से होती है. इवन जो हमारा मेन मेथड होता है वो भी क्लास के अंदर होता है. तो .NET जो हमारा होता है, जो सी शार्प है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेके आप काम करते हो. ये इवेंट ड्रिवन होता है. इवेंट ड्रिवन का मतलब सपोज मेरे पास एक बटन है, यदि मैं चाहता हूँ मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए. मेरे पास एक रेडियो बटन है, रेडियो बटन पे मैं चेक करूँ, या चेक बॉक्स है, चेक को चेक करूँ, अनचेक करूँ, कुछ होना चाहिए. मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, कुछ होना चाहिए. मैं की को प्रेस कर रहा हूँ, कुछ होना चाहिए. ये हमारे क्या है, इवेंट्स हैं. तो इट्स एन इवेंट ड्रिवन कॉम्पोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कॉम्पोनेंट का मतलब यहाँ पर बटन्स होती हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होती हैं, यहाँ पर लेबल होती हैं, यहाँ पर चेकबॉक्स होती हैं. ऑलरेडी बनी बनाई बटन्स होती हैं, आपको बटन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ड्रैग करना है, उसे यूज करना है. तो ये हमारी एक लैंग्वेज. अब देखो सी शार्प के अंदर जब कभी भी आप काम करते हो भाई, .NET में इट्स नॉट ओनली द सी शार्प, आप किसी भी .NET में जब हम शुरुआत करते हैं तो सी शार्प से ही करते हैं, क्योंकि सी शार्प करने के बाद आप ASP.NET में काम कर पाओगे. ASP.NET के अंदर अगेन जो आपको कोड लिखनी है सी शार्प की लिखनी है. ASP.NET कोड के अंदर अगेन जो आपको कोड लिखनी है सी शार्प की लिखनी है. MVC के अंदर जो कोड लिखनी है वो भी सी शार्प की लिखनी है. तो सी शार्प सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. याद रखें जब भी हम सी शार्प में काम करते हैं, आपको काम करने के लिए भाई सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी. हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पे जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए वो चाहिए होता है विजुअल स्टूडियो. हमें यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो चाहिए होता है विजुअल स्टूडियो. तो आप विजुअल स्टूडियो .NET लोड करेंगे. .NET इसको आप ये करेंगे. ये विजुअल स्टूडियो क्या है, विजुअल स्टूडियो बेसिकली यदि मैं विजुअल स्टूडियो की बात करूँ तो ये विजुअल स्टूडियो इसका IDE है. IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. होता क्या है जब आप .NET के अंदर काम करते हो, ये जो विजुअल स्टूडियो है, और मेरा मानना यह है कि अभी तक, मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. अभी तक यदि कुछ चुनिंदे IDE होंगे, कुछ बेहतरीन IDE होंगे मार्केट के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं, तो उसमें विजुअल स्टूडियो की IDE है. एक बार यदि आपको विजुअल स्टूडियो में काम करने की आदत लग जाए, बिलीव मी, फिर दूसरे IDE के अंदर आप काम करना पसंद नहीं करोगे. तो जो भी, तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो है इसकी IDE है. IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब वो जगह जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिख सकते हो, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो. मतलब सारे काम को करने के लिए आप यहीं पे काम करोगे, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो .NET है, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए वो विजुअल स्टूडियो का चाहिए.
अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा, यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी होगी। एक तो हमें समझना होगा विजुअल स्टूडियो में सॉफ्टवेयर चाहिए, और जैसे शुरुआत से यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो विजुअल स्टूडियो आया था वो आया था 2000, विजुअल स्टूडियो 2000। और यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क था डॉट नेट का, यहाँ पे जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क था वो फ्रेमवर्क था हमारा 1.0। यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क था वो 1.0 था, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह से फिर 2000 के बाद 2003 आया था, 2003 यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क था 1.1 था। फिर यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो का 2005 वर्सन आया था और यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क था 2.0 था। अब आज के डेट में यदि मैं बात करूँ तो आज के डेट में हम 2017 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, बीच में हमारे पास 2008 भी है, 2010 भी है, 2012 भी है, 2013 भी है, 2015 भी है। इतने सारे विजुअल स्टूडियो के अलग अलग वर्सन्स हैं इनिशियली, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके भी वर्सन्स बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को याद रखना ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, इतने सारे फ्रेमवर्क ला दिए और इतने सारे विजुअल स्टूडियो ला दिए कि इनके वर्सन्स को याद करना बड़ा मुश्किल काम है और मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो बेहतर मैं आपको एक एक प्रेजेंटेशन एक पीपीटी दिखा देता हूँ, और उस पीपीटी के अंदर आप ये देखो, आपको यहाँ पे ये मैंने कहीं से उठाया है भाई, हमारा विकिपीडिया है वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है। ये देखो, ये जो हमारा हिस्ट्री है इसका ये ही है। शुरुआत हम बात करते हैं विजुअल स्टूडियो, यहाँ से विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, पहले विजुअल स्टूडियो 6 होता था, डॉट नेट 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 12, 13, 15, 17, 19। आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं 17 पे, या फिर आप 19 डाउनलोड कर लें, 17 डाउनलोड कर लें, आप किसी में भी काम कर लें। वैसे अभी आपको सी शार्प में काम करना है तो यदि आपके पास 2012 अवेलेबल हो आप उसमें काम कर लो, 2010 अवेलेबल हो आप उसमें काम कर लो, ठीक। अब यहाँ पे आप ये देखो, इनका अपना नाम था पता है, ये जो 2017 है इसको बोलते हैं डेव 15, इसको बोलते हैं डेव 16, इसको बोलते हैं डेव डेव 14, 12, और सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल स्टूडियो 2008 इसको बोला गया ऑर्कास, विजुअल स्टूडियो 2005 ये इसका ब्रांड नेम बनाने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन लोगों ने विजुअल स्टूडियो बोलना बंद नहीं करा। कोई भी डेव 16 नहीं बोलता या डेव 15 नहीं बोलता, वो विजुअल स्टूडियो 2017 ही बोलेगा। इसका ये रिलीज डेट है, इस पर्टिकुलर डेट में ये रिलीज हुआ है, 2017 में आया था ये 2015 में आया था, ये 2019 में आया, ये 2013 में आया, तो ये अलग अलग इसके रिलीज डेट है। अब ये इसके वर्सन्स नंबर हैं 16, 15, 14, और ये यहाँ पर सपोर्टेड फ्रेमवर्क है। अब आप मुझे बोलोगे विजुअल स्टूडियो 2017, तो इसका जो सपोर्टेड डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो यहाँ 3.5 से लेके 4.7.2 तक आप काम कर सकते हो, यहाँ पे 4.8 तक काम कर सकते हो, तो ये अलग अलग इसके वर्सन्स हैं। हाँ, 2017 और 19 के अंदर नाउ वी आर हैविंग द सपोर्ट फॉर द डॉट नेट कोर ऑल्सो। तो ये इसके हिस्ट्री है, आप इसको देख सकते हो, यदि आप याद करना चाहो तो आप याद कर लो, बड़ी अच्छी बात है, वही चीज़ें तो याद होनी चाहिए। हाँ, मैं अब कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने याद करना छोड़ दिया, क्योंकि संभव नहीं है, अब इतना कहाँ आदमी याद रखता है यार। चलो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको जो डालना है, आपको जो इंस्टॉल करना है, वो क्या इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। अब विजुअल स्टूडियो आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आप यहाँ पर आ जाएं, आप गूगल ओपन करें, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड। कम्युनिटी एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर कर लें कम्युनिटी 2070 डाउनलोड। अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पे ओपन कर देगा इसको, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हो, और ये यहाँ पे बता रहा है फ्री विजुअल स्टूडियो, आप यहाँ पे फ्री विजुअल स्टूडियो में जाएं, अलग अलग कम्युनिटी है इसके, आप यहाँ पे फ्री डाउनलोड ये अवेलेबल हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, आप यहाँ पे डाउनलोड में जाएं, तो अब आप यहाँ से विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर, अब ये यहाँ पर डाउनलोड शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर आप इसको तो डाउनलोड कर लेंगे, हो सकता है डाउनलोड करने में आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो, तो दो बार चार बार यहाँ पर लिंक वगैरह पर जाना, वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2019, ये जो भी हमारा है, आप यहाँ पर कम्युनिटी में जाएंगे, ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखना है कि आपको जो डाउनलोड करना है वो कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करनी है, कम्युनिटी एडिशन आप डाउनलोड करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा,
विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। कई बार 2017 में यदि आपको दिक्कत हो तो आप इसके ओल्डर वर्सन्स में जा सकते हैं। ओल्डर वर्सन्स में आप यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2019 इट्स कम्युनिटी एडिशन फॉर विंडोज़, और ये मैक के लिए भी अवेलेबल। जो लोग ये बोलते थे वो भाई मैक वगैरह में नहीं चलता, अब उनके लिए जवाब है यहाँ पे 2019 ये मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जो भी वर्जन आप लेना चाहो, यदि आपको 2017 में दिक्कत आ रही है आप 15 डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए काम करेगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस पर, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो ये मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये जो मैं नोट्स आपको बना रहा हूँ ये मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट में होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट का URL डाल दूंगा, तो ये नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपके कंसर्न के लिए यहाँ पर इसे डाल देता हूँ, यहाँ से जाएँ, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें। अब ये तो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो जब आप डाउनलोड करते हो तो ये सारे फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ ला के आपको देता है, अब आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, याद रखें सी शार्प में जब हम लोग काम करते हैं तो भाई हमें सी शार्प हमें दो तरीके से पढ़नी है। एक तो हमें सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सी शार्प में जो हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं वो प्रोग्रामिंग सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग होती है, एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोल प्रोग्रामिंग। अब ये कॉन्सोल प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्सोल प्रोग्रामिंग को नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कॉन्सोल प्रोग्रामिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल्स है वो यहीं से स्ट्रांग होती है। सी शार्प की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो इसके कोड हैं, जो इसके तरीके हैं, वो आप यहाँ से समझ पाओगे। तो सी शार्प में एक तो होता है कॉन्सोल प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है यहाँ पर विंडोज़ प्रोग्रामिंग। विंडोज़ प्रोग्रामिंग, ये हम ट्रेडिशनल विंडोज़ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, और लेटेस्ट में हमारे पास यहाँ पे है WPF। ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्राफिकल होता है, ये ज़्यादा बेहतर होता है, जिसको हम बोलते हैं विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। तो सी शार्प में हमें ये तीन लेवल पे काम करना होगा। एक तो हम बात करेंगे कॉन्सोल प्रोग्रामिंग की। कॉन्सोल प्रोग्रामिंग में आपके सुविधा के लिए, आपके सहूलियत के लिए मैं विजुअल स्टूडियो में नॉर्मली यूज़ नहीं करूँगा, मैं नोटपैड में लिखूँगा। बिल्कुल भाई देखो, देसी तरीके से काम करने से ना चीज़ों को आप ज़्यादा सीखते हो। यदि शुरुआत में मैं आपको लेके विजुअल स्टूडियो दे दूँ तो बिलीव मी आप बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे, चीज़ें आप याद नहीं कर पाएंगे, और जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं वहाँ पर आपको बतानी पड़ती है चीज़ों, आपको रिस्पॉन्ड करनी होती है। वहाँ पर आप ये नहीं बोल दोगे नहीं नहीं विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, वहाँ खुद ब खुद कुछ चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। तो शुरुआत जो हम करेंगे कॉन्सोल प्रोग्रामिंग से करेंगे। कॉन्सोल प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग विंडोज़ प्रोग्रामिंग पे आएंगे, और विंडोज़ प्रोग्रामिंग के लिए आज के डेट में नॉर्मली लोग विंडोज़ प्रोग्रामिंग पहले होती थी, आज के डेट में विंडोज़ प्रोग्रामिंग का एडवांस फेज है हमारे पास, वो WPF है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स के साथ है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल स्टार्ट करूँगा, कॉन्सोल के बाद मैं विंडोज़ प्रोग्रामिंग के ऊपर आऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे WPF करूँगा, यहाँ पे हमारी सी शार्प की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद फिर सी शार्प के बाद फिर मैं ASP.NET में आऊँगा, फिर कोर में आऊँगा, वो एक अलग बात है। तो हमें जो शुरुआत करनी है वो कॉन्सोल प्रोग्रामिंग से करनी है। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सी शार्प का कॉन्सोल प्रोग्रामिंग कि भाई सी शार्प में हम कॉन्सोल प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे। देखो कॉन्सोल प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे कोई विंडोज़ खुल के नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है जब हम .NET में काम करते हैं, विंडोज़ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो एक फॉर्म्स खुल के आ जाता है, एक रेक्टेंगुलर खुल के आ जाता है। यहाँ पे कोई फॉर्म्स वगैरह खुल के नहीं आएगा, हम नोटपैड में कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम उप्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और यहाँ पे उप्स के अलावा जो कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप मुझसे पूछोगे एज ए स्टूडेंट तो आपके लिए यूज़ ये है कि भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना जरूरी है, लेकिन जब आप आगे जाओगे एज ए डेवलपर यदि आप मेरे से बात करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि सी शार्प कॉन्सोल प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कहाँ पर होती है। देखो सी शार्प के अंदर मेनली एक तो है कॉन्सोल, दूसरा है विंडोज़। विंडोज़ प्रोग्रामिंग में क्या है, आपको वहाँ पर फॉर्म्स मिल जाएंगे, फॉर्म्स के ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, रेडियो बटन्स मिल जाएंगे। नॉर्मली हम कॉन्सोल प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या करते हैं, जहाँ पर मुझे कोई इंटरफेस नहीं चाहिए लेकिन मुझे कोई ऑपरेशन करवानी है। मुझे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा एक एप्लीकेशन चले और वो हर एक दो दिन के बाद हमारे किसी पर्टिकुलर ड्राइव को क्लीन कर दे। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ हमारा ई ड्राइव हर एक दो दिन के बाद क्लीन हो जाए। यदि मैं बोलता हूँ कि मेरा ई ड्राइव हर एक दो दिन के बाद क्लीन हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई फॉर्म खुले, बटन हो, बटन पे मैं क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ वो बैकग्राउंड में चले, खुद ब खुद चले, और हमारा मैंने सिस्टम ऑन करा, दो तीन दिन के बाद वो हमारा विंडो वो कॉन्सोल एप्लीकेशन चले, वो खुद ब खुद रन करे और खुद ब खुद वो हमारा काम कर दे, हमें कुछ दिखे ना। जहाँ पे हमें इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है,
जहाँ पे हम बैकग्राउंड में प्रोसेस करवाना चाहते हैं, व्हाट वी कैन यूज़, वी कैन यूज़ द कॉन्सोल प्रोग्रामिंग। अब आप बोलोगे सर ये काम करेंगे कैसे, तो उसके लिए करना ये होता है कि हम कॉन्सोल प्रोग्रामिंग बनाते हैं और कॉन्सोल प्रोग्रामिंग को शेड्यूलर के अंदर शेड्यूल कर देते हैं। चलो वो बात की बात है, क्या करेंगे, मैं बड़ी बड़ी बातों कर रहा था, अभी मैं बात कर लेता हूँ सी शार्प कॉन्सोल प्रोग्रामिंग। शुरुआत यदि मुझे करना हो तो कॉन्सोल प्रोग्रामिंग से करेंगे, तो हम कॉन्सोल प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। चलो सबसे पहला काम हमें यह है कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अब डायरेक्ट स्टार्ट मत कर देना भाई, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। अब सॉफ्टवेयर में आप क्या इंस्टॉल करेंगे, तो आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर विजुअल स्टूडियो डाल लें, मैंने ऊपर में लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें। विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद अब दूसरा काम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सी शार्प में कॉन्सोल प्रोग्रामिंग करेंगे। आपको अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल रख रहे हैं। आप नोटपैड तो जानते हो, नोटपैड को ओपन कर लो। नोटपैड के अंदर आप अपने प्रोग्राम को लिखें, प्रोग्राम को लिखने के बाद आप इसे सेव कर लें। अच्छी बात यह है कि जब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, सेव बाय एनी नेम। जैसे जावा में क्या होता था कि जब आप प्रोग्राम को सेव करते हो तो क्लास के नाम से सेव करते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो आप यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव बाय एनी नेम, लेकिन जो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए, वो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, तो वो एक्सटेंशन होना चाहिए .cs। आप किसी भी नाम से सेव करें लेकिन फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .cs होना चाहिए। सेव बाय एनी नेम इन एनी लोकेशन, कहीं भी सेव कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सी ड्राइव में करना है या डी ड्राइव में करना है, जहाँ मन करे वहाँ सेव कर लो। हाँ, बेहतर के लिए आप अपना एक फोल्डर बना लें, वहाँ पर सेव करें। अब आपने अपना प्रोग्राम बना लिया, आपने फाइल को सेव कर लिया, अब तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लोगे, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लोगे। अब ये जो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट है, देखो एक तो हमारा यहाँ पे ये होता है, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ cmd, मैं यहाँ पे लिखता हूँ cmd, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कमांड प्रॉम्प्ट है, मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ पर लिखो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखो आ गया ना यहाँ पर, ये डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, अब ये हमारा डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ये देखो आ रहा है यहाँ पर डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट। अब तुम बोलोगे सर नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट और डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट में अंतर क्या होता है, अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, ये देखो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ csc, सी शार्प कंपाइलर, ये देखो ये बोला है नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब ये यहाँ पर है ही नहीं, इसको ये समझ ही नहीं पा रहा है तुमने लिखा क्या है। अभी मैं यहाँ पर लिखूँ csc और अभी मैं एंटर करूँ तो काफ़ी कुछ हो के आ जाएगा यहाँ पर। अब यदि मैं यहाँ पर लिखूँ csc तो काफ़ी कुछ, ये देखो ये यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, यहाँ पर कंपाइलर चल रहा है, ये यहाँ पे कंपाइलर चल रहा है और यहाँ पे ये काम करेगा, यहाँ पे ये कंपाइलर से काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सी शार्प कंपाइलर csc आप यूज करें और ये csc यहाँ पे काम करेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कॉन्सोल प्रोग्राम को, तो मुझे क्या करना है भाई, इन सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा एक ग्रुप कमेंट बन गया, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, ठीक, मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा ग्रुप कमेंट बन गया। अब मैं यहाँ बोलता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प के अंदर हम पहला प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो सी शार्प के अंदर आप प्रोग्राम शुरू कैसे करोगे, जरा इस बात को समझो। हमने नोटपैड ओपन कर लिया, खुल गया नोटपैड। अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा क्लास से होगी, मैं बोलता हूँ क्लास। आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे सब स्मॉल में लिखोगे, तो मैं यहाँ बोलता हूँ क्लास। अब क्लास का नाम देना है, कुछ भी नाम दे दो, मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिंपल, कुछ भी नाम दे दो। अब हम यहाँ पर, ये हमारी क्लास की बिगनिंग होगी और ये यहाँ पर एंड होगी, ये शुरुआत होगा, ये यहाँ पर स्मॉल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमें इस क्लास के अंदर कुछ लिखना है। भाई आप C++, जावा सभी जगह आपने यूज़ करा है, यहाँ पे भी आप यूज़ कर लो। तो यहाँ पर हम मेन मेथड ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारा मेन होगा, मेन का M कैपिटल होगा, याद रखना। .NET के अंदर, यहाँ पर C# के अंदर इनके अपने अपने नेमिंग कन्वेंशन है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, याद रखना C# जो होता है इज़ हाईली केस सेंसिटिव, हाईली केस सेंसिटिव,
केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं ये। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है याद रखेंगे, ऑल द कीवर्ड्स, जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे वो स्मॉल केस में होंगे, वो स्मॉल केस में होंगे। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ पब्लिक, मैं बोलता हूँ क्लास, मैं बोलता हूँ इंटरफेस, मैं बोलता हूँ डेलीगेट, मैं बोलता हूँ स्ट्रक्ट, मैं बोलता हूँ इनम, ये जितने भी कीवर्ड्स होंगे सारे स्मॉल में याद रखेंगे, जितने भी कीवर्ड्स होंगे यहाँ पे स्मॉल केस में। दूसरी बात यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे नेम स्पेस होते हैं, नेम स्पेस किसको बोलते हैं, नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जिसको आप लोग जावा में पैकेज बोलते हो और कुछ जगहों पर हम लोग इसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नेम स्पेस होते हैं, यहाँ पे जो हमारे क्लास होते हैं, जो यहाँ पे हमारे मेथड्स होते हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है, वो जो फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस में होता है। और केवल फर्स्ट लेटर नहीं, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस में होगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल बिकॉज ये एक नेम स्पेस है। मान लो मैं बोलता हूँ कॉन्सोल, कॉन्सोल का सी कैपिटल में होगा बिकॉज इट्स नेम ऑफ क्लास। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर राइट लाइन, राइट का देखो डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल में और यहाँ पे एल बी कैपिटल में। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ डॉट रीड लाइन, तो रीड का देखो यहाँ पे आर कैपिटल में है और एल कैपिटल में। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड्स विल बी इन द अपर केस फॉर द क्लास मेथड्स नेम स्पेसेस, और जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पर होंगे ये सारे स्मॉल में। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारा मेन है मेन का एम कैपिटल होगा बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ मेथड, और मेन हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। हम यहाँ बोलते हैं सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जस्ट फॉर डिस्प्ले। जैसे जावा में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन यूज करते हो, जैसे सी में आप प्रिंटएफ यूज करते हो, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। अब मैं बोलता हूँ हाय बाय कोरोना, भाई कोरोना को हम बाय करना चाहते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई ये हमारा राजी फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने यहाँ पे मेन से स्टार्ट करा अपने प्रोग्राम को, मेन के अंदर डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। आप जरा ध्यान से देखो, सिस्टम का एस कैपिटल है, कॉन्सोल का सी कैपिटल है, राइट लाइन का डब्ल्यू और एल कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो प्रोग्राम है मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्लास से। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, आप इसे स्मॉल भी दे सकते हो, ये हमारा बनाया हुआ क्लास है, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, जो पहले से बने बनाए क्लासेस हैं ये सारे कैपिटल में होंगे। तो मैं यहाँ बोलता हूँ क्लास का नाम और फिर मैंने मेन मेथड लिया, मेन मेथड के अंदर अब मैं इसे सेव करता हूँ, फाइल में आता हूँ, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं फ़िलहाल इसे मैं अपने ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। वैसे भी आप सी ड्राइव में सेव ना ही करें, किसी अदर ड्राइव में सेव करें, तो मैं इसे अपने ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ई ड्राइव में आता हूँ और ई ड्राइव में इसे सेव कर लेता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ z1.cs। आप जरा गौर से देखो, मैं जब भी सेव कर रहा हूँ फाइल का नाम क्या, फाइल को डबल कोटेशन के अंदर में दे रहा हूँ। ये डबल कोटेशन का अपना मतलब होता है भाई, यदि मैं यहाँ पर डबल कोटेशन ना दूँ ना तो ये हमारा फाइल हो जाएगा z1.cs.txt। कभी भी आदत बना लें कि आप यदि फाइल को सेव कर रहे हैं तो डबल कोटेशन में सेव करें। डबल कोटेशन में सेव करेंगे तो आप जो नाम दोगे वही नाम होगा। अब जरा आप गौर से देखो, मैंने प्रोग्राम में हमारे क्लास का नाम क्या है, सैंपल। मैं इसको सैंपल वन डॉट सी एस के नाम से, सैंपल के डॉट सी एस के नाम से भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे z1.cs के नाम से और मैंने ई ड्राइव में सेव किया है। चलो मैंने प्रोग्राम बना लिया, मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब मुझे यहाँ पे कंपाइल करना है अपने प्रोग्राम को। आपने नोटपैड के अंदर प्रोग्राम लिखा, सेव कर लिया, आपने सी एस नाम दे दिया। अब मुझे सी एस मतलब सी शार्प, अब मुझे इसे कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट पाएंगे, तो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे लिख दो। आप यहाँ पे लिखते हो डेवलपर, जैसे आप डेवलपर लिखोगे आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, अब ये हमारा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। थोड़ा सा ये जो ब्लैक विंडो है मैं इसको सही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आता हूँ, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको बेहतर दिखेगा। और मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ और भाई
कलर थोड़ा सा हम ये कर देते हैं या वाइट कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है ये ब्लू कर देते हैं। अब थोड़ा सा देखने में ज़्यादा बेहतर लग रहा है इन कम्पेयर टू जो पहले था। तो अभी आप कौन से ड्राइव में हो? आप सी ड्राइव में हो। मुझे कहाँ पर आना है? ई ड्राइव। तो भाई ई ड्राइव में आप आओगे कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आपको एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आना है। याद रखेंगे, जब कभी भी एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आना है, आप ई कॉलन कर दो आप ई में आ जाओगे, डी कॉलन कर दो आप डी में आ जाओगे, सी कॉलन कर दो आप सी में आ जाओगे। मुझे कहाँ आना था? ई ड्राइव में, तो मैं ई में आ जाता हूँ। सी एल एस जस्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए मैं बोलता हूँ सी एस सी जेड वन डॉट सी एस। अब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ। ये हमारा कंपाइलर चला और यहाँ पे ये आपको एक फाइल बना के दे देगा। यदि आप dir करके देखोगे, मैं बोलता हूँ dir z1.star, तो आप यदि यहाँ पे देखोगे z1.star, ये देखो z1 के नाम से हमने तो फाइल बनाई थी cs, और कंपाइल होने के बाद जो फाइल बना वो बना z1.exe। अब मुझे इस z1.exe को रन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ z1 और हमारे पास मैसेज आ गया हाय बाय कोरोना। तो इस तरीके से आप सी शार्प में प्रोग्राम बनाते हो। दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को बनाते हो, इस तरीके से आप कंपाइल करते हो, और कंपाइल करने के बाद आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा। नंबर वन, ये जो हमारा क्लास है, ये हमारा क्लास क्या है? कीवर्ड है। जब कभी भी आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो क्लास से स्टार्ट करोगे, और कोई ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी शुरू कर सकते हैं सी शार्प के अंदर, मैं बताऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझो कि प्रोग्राम की शुरुआत क्लास से करते हैं। सैम्पल क्या है? नेम ऑफ क्लास, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये हमारा क्लास का नाम है। ये जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ये पब्लिक हमारा क्या है? इट्स एन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस, अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर होते हैं यहाँ पे। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल प्रोटेक्टेड होता है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट चैप्टर बनाऊंगा, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। अभी आप ये समझें कि आपने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? इट्स ए क्लास मैथड। इट्स ए क्लास मैथड। अब ये क्लास मैथड होता क्या है, ये करता क्या है, मैं इसकी बात करूँगा जब मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आऊँगा, जब मैं उप्स कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। स्टैटिक लगाने का मतलब इट्स ए की वर्ड यूज टू मेक द क्लास मैथड। और ये वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करने जा रहा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम वॉइड लगा रहे हैं। और मेन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। कंपाइलर सबसे पहले मेन को ही सर्च करता है। इट्स अ एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, आपको ये समझना है कि ये सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन ये है क्या। याद रखेंगे ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये एक नेम स्पेस है, प्री डिफाइंड नेम स्पेस है। नेम स्पेस मतलब जिसको जावा में आप पैकेज बोलते हो, ये हमारा एक नेम स्पेस है। और जो हमारा ये कॉन्सोल है, ये कॉन्सोल क्या है? क्लास। ये क्लास है याद रखने के लिए, सी फोर कॉन्सोल सी फोर क्लास। और ये जो क्लास है, ये क्लास कहाँ पर डिफाइन है? डिफाइन इन सिस्टम नेम स्पेस। ये सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन। और ये प्री डिफाइन क्लास है जो कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है। और ये जो राइट लाइन है, ये हमारा राइट लाइन क्या है? ये राइट लाइन हमारा मैथड है। ये मैथड है, क्यों यूज़ करते हैं? यूज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी भी हमें डिस्प्ले करना हो तो हम ये यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम क्या है? ये नेम स्पेस है। कॉन्सोल क्या है? क्लास है। ये राइट लाइन क्या है? मेथड है। याद रखना, जिसके बाद ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं वो हमारा मेथड होता है। उस मेथड से पहले ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? क्लास है। और इस क्लास से पहले ये हमारे पास क्या है? नेम स्पेस है। तो इस तरीके से ये रहा हमारा सी शार्प का पहला प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे सेव कर, सारा कुछ सेव कर देता हूँ। और मैं इन सारे नोट्स, ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो में तो अवेलेबल हैं, आप वीडियो से इसे कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं इन सारे नोट्स को उठा के अपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है हमारी, मैं उस ब्लॉग वेबसाइट पे डाल दूँगा, पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप उठा लेना। तो वीडियो देखने के बाद आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं लास्ट में आपको बता दूँगा कि हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट का URL क्या है। अच्छा, ये आपने पहला प्रोग्राम बना लिया, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और इस पोर्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ। कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे समझें, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ। जब कभी भी आप कोड लिखें तो आपकी जो कोड होनी चाहिए ना, वो थोड़ी सी साफ सुथरी होनी चाहिए, थोड़ी तरीके से कोड को लिखें। अब कई लोग इसी कोड को कैसे लिखेंगे, एज ए स्टूडेंट यदि मैं बात करूँ तो मैं देखता हूँ कई लोग इस कोड को ऐसे लिखेंगे।
आपने तो महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिख दिया। भाई एक बात बताओ, आप प्रोग्राम लिख रहे हो यार, प्रोग्राम प्रोग्राम की तरह दिखना चाहिए। अब मुझे बताओ, इसमें आपको कुछ पता चल रहा है कहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, कहाँ पे एंड हुई? ये जो तरीका है ये गलत है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, उनको लगेगा अच्छा सर ने बोला था ये गलत तरीका है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देंगे। ये वही बात हो गई कि कई लोग अभी बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग मास्क लगा लेते हैं, कुछ भाई लोग अपना रुमाल रुमाल डाल लेते हैं, कुछ भाई लोग मास्क लगा हुआ है लेकिन उसको नाक से हटा लेते हैं कुछ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मन करे वो कर लो। अब ये कोई तरीका है प्रोग्राम लिखने का? अब कई भाई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाई साहब खूब सारा स्पेस दे देंगे। अरे स्पेस का भी कुछ ईमान धर्म होगा भाई, कितना देना है कितना करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझो, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखते हो, आप कोड कम लिखो ज़्यादा लिखो, लेकिन कम से कम कोड जब आप लिखते हो तो सही तरीके से लिखो। आपके जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कोड की बेहतर लगनी चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं, मैंने देखा है दोनों में अंतर क्या होता है। जो फ्रेशर्स होता है उसको कोड लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, कोड को देसी स्टाइल में लिखते हो। भाई आपको कोड लिखना कैसे है, आप जरा इस बात को समझो, कोड लिखना कैसे। सबसे पहले आप चाहे जो भी कोड लिखो, देर मस्ट बी सम कॉमेंट, कुछ ना कुछ कॉमेंट आप डालो, आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, भाई कुछ कॉमेंट तो होना चाहिए। अच्छा, कॉमेंट के बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत क्लास से करते हो। प्रोग्राम की शुरुआत आप क्लास से ही करोगे। अब आप यहाँ पर क्लास का नाम देते हो, मान लो मैंने यहाँ पर नाम दिया सेंटर। अब जब कभी भी आप क्लास दोगे तो देयर मस्ट बी द ओपन ब्रेसेस। तरीका ये होगा, आप ओपन ब्रेसेस लगाते हो, ओपन ब्रेसेस के बाद इमीडिएट आप यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस डाल दो। ये देखो, ये जो हमारा ओपन ब्रेस है बिल्कुल सी के नीचे है और ये जो क्लोज ब्रेस है बिल्कुल ओपन ब्रेस के नीचे है। अब आप जो भी काम करोगे वो इसके बीच में करोगे, अब इन दोनों को टच करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ओपन ब्रेसेस लगाएं साथ के साथ आप क्लोज ब्रेस लगाएं, यहाँ पर टैप करें। टैप करने के बाद आप यहाँ पे यहाँ आ जाएं। अब मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक। जिस तरह से हमने लिखा था वहाँ पे void main, इन द प्लेस ऑफ void main आप यहाँ पे लिख सकते हो int main, ये भी चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे ओपन ब्रेसेस लगा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे ब्रेसेस लगाना है पब्लिक का, मेन का, तो मेन का ब्रेसेस इस p के नीचे होना चाहिए यहाँ पे, और यहीं पे इसको फिर क्लोज भी कर लो। ये देखो, अब थोड़ा सा लग रहा है ना, आप समझदारी से काम कर रहे हो। अब आपको जो भी लिखना है अब यहाँ पे नहीं लिखना, इसके अंदर लिखना है, जिससे पता चले। तो आप इंडेंटेशन का ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं अब बोलता हूँ जय हिंद। अब देखो, चूंकि आपने यहाँ पे लिखा है इंट मेन, इनका मतलब ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो आप यहाँ पे लगा दो रिटर्न, और मैं देता हूँ रिटर्न जीरो, आप कुछ भी दे दो, आप रिटर्न जो ही है यहाँ पे, मैं कर देता हूँ रिटर्न। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। अब मैं इसको सेव करता हूँ किस नाम से, मैं बोलता हूँ z2.cs, कुछ भी नाम दे दो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ csc z2.cs, मैं बोलता हूँ यहाँ पे z2, और ये हमारे यहाँ पे काम करेगा। आ गया मैसेज लिखा हुआ जय हिंद। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिखते हैं, ये जरूरी है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट मेन सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो भी मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव, सेव एज, मैं यहाँ पे बोलता हूँ z3.cs। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए, और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट मेन, और ये अब देखो कोई जरूरी नहीं होता, अच्छा कोई जरूरी नहीं होता कि प्रोग्राम की शुरुआत मैं क्लास से ही करूँ। सी शार्प के अंदर ये ऑप्शन है कि आप स्ट्रक्चर से भी प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हो, नॉर्मली हम करते नहीं हैं लेकिन आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि प्रोग्राम विल गेट स्टार्ट फ्रॉम द क्लास, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर डाल दो, कंपाइल करो प्रोग्राम को z3.cs। अब मैं यहाँ बोलता हूँ z3, ये परफेक्टली काम करेगा, कर रहा है। आप यहाँ पे एक चीज़ और, मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ सेव एज, मैं यहाँ पर बोलता हूँ z4.cs। लेकिन नॉर्मली हम क्लास से ही करेंगे, दुनिया करती है। अब देखो ये पब्लिक स्टैटिक void main, पब्लिक स्टैटिक int main, नॉर्मली आप यहाँ पे void यूज़ क्या करें, जरूरी नहीं है कि आप int लगाएं। और
कोई जरूरी नहीं होता कि मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूँ। याद रखना, यदि मैं पब्लिक नहीं लगाता हूँ तो बाई डिफॉल्ट जो मैथड्स होती हैं हमारी प्राइवेट हो जाती हैं। लेकिन मेन के साथ यदि आप यहाँ पर पब्लिक या प्राइवेट कुछ नहीं भी लगाओगे, यदि आप यहाँ पर प्राइवेट भी लगा दोगे तब भी वो काम करेगा। तो मेन के लिए आपको बहुत ज़्यादा, कोई यदि बोलता है कि भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना जरूरी है, तो वो गलत बात है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर स्टैटिक वॉइड में लिखोगे तब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। देखो, सॉरी, इट वॉज जेड फोर। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ जेड फोर, अब मैं यहाँ बोलता हूँ जेड फोर, और ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। ये देखो, तो मैंने आपको बताया कोई जरूरी नहीं होता कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप लगाएं, आप स्टैटिक वॉइड मेन लगा दें। इवन आप इसको स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन कर देंगे तब भी चलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस वही लिखना है जो जावा में जिस तरीके से आप लिखते हो। आप यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर दो, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन कर दो, आप पब्लिक हटा दो, इवन मैं यहाँ पर प्राइवेट लगा दूँ तब भी वो काम करेगा। फाइल सेव, अब मैं यहाँ पर करता हूँ फाइल सेव है, मैं बोलता हूँ जेड फाइल डॉट सीएस। अच्छा, अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, एक तो होता है यहाँ पे आप यूज करते हो सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। अब यदि मैं यहाँ पे राइट लाइन तीन बार लिखूँ तो राइट लाइन का मतलब होता है कि वो जो डिस्प्ले होगा पूरे लाइन को होल्ड करेगा। यदि मैं राइट लाइन यहाँ पे लिखूँ ये पूरे लाइन को होल्ड करेगा। यदि मैं इसे रन कर दूँ जेड फाइव डॉट सी एस, ओ सॉरी, अरे मैं बोलता हूँ जेड फाइव डॉट सी एस, अब यदि मैं बोलता हूँ जेड फाइव, ये देखो, यदि मैं यहाँ पे राइट लाइन की जगह मैं यहाँ पे राइट लगा दूँ, यदि मैं राइट लाइन की जगह यहाँ पे राइट लगा दूँ, अब यदि मैं इसको रन करूँ तो आप सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में एक अंतर है। यदि मैं राइट लिखूंगा, अब देखो राइट में क्या होता है, जहाँ से प्रीवियस राइटिंग खत्म होती है ना वहीं से दूसरा राइटिंग स्टार्ट हो जाता है। ये देखो एक साथ आ रहा है ना, जब राइट लाइन आप कर रहे थे तो अलग अलग लाइन में आ रहा था, जब राइट कर रहे हो हमारा यहाँ पे ये एक साथ आ रहा है। अच्छा, अब तुमने यहाँ पे क्या कर रखा है, तुमने यहाँ पे लिख रखा है सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फाइल सेव एज, मैं इसको सेव कर लेता हूँ जेड सिक्स डॉट सी एस के नाम से, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजिंग सिस्टम। यदि मैंने ऊपर में यूजिंग सिस्टम लिख दिया तो आपको बार बार ये सिस्टम लिखने की जरूरत है, आपको बार बार यहाँ पे ये सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। अब यदि मैं इसको रन करूँ जेड सिक्स डॉट सी एस जेड सिक्स, ये काम कर दूँ, फाइल सेव एज जेड सेवन डॉट सी एस, अभी आपने क्या करा है, अभी आपने डिस्प्ले करवाया है। चलो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर नेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पर क्या बोलते हो, मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग एन इमेज इक्वल टू, हम यहाँ पर लगाते हैं कॉन्सोल डॉट सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन होता है हमारा इनपुट लेने के लिए। जब कभी भी आपको इनपुट लेना हो, जैसे आप सी में क्या लगाते हो स्कैनफ, यहाँ पर हम लगाते हैं रीड लाइन। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ रीड लाइन, जो भी आपने इनपुट है वो आपने एन एम ए ले लिया। अब मैं इसको डिस्प्ले कर दूँ तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ एन एम। अब यदि मैं इसको रन करूँ, यदि मैं इसको रन करता हूँ सी एस सी जेड सेवन डॉट सी एस, मैं यहाँ पर बोलता हूँ जेड सेवन, तब ये बोल रहा है एंटर नेम, आप नेम डालो। मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर नेम डालता हूँ नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे नाम आ गया नरेंद्र मोदी। भाई अब थोड़ा सा नाम थोड़ा सा इज्जत के साथ डिस्प्ले करो यार, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे लिखो द नेम इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द नेम इज। अब मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता हूँ, और कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर करो जेड सेवन जेड सेवन। अब मान लो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, मैं डालता हूँ डोनाल्ड ट्रंप, द नेम इज डोनाल्ड ट्रंप। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हो सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट या राइट लाइन। जब कभी भी आपको इनपुट लेना हो
तो इनपुट करने के लिए आप यूज कर सकते हो रीड लाइन। क्लियर। इस वीडियो के लिए अभी तक के जो कंटेंट हैं वो काफ़ी हैं। पहले आप अभी आपका जो प्राइमरी जॉब होगा वो ये होगा कि आप अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें। दूसरा काम, आप ये कॉन्सोल के कुछ प्रोग्राम्स बना के देख लें। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मैं इससे आगे स्टार्ट करूँगा और उसमें कई सारी कॉन्सोल प्रोग्रामिंग होंगी और मोरलेस हमारी कोशिश होगी कॉन्सोल प्रोग्रामिंग की मैक्सिमम चीज़ों को मैं उस वीडियो में कवर कर लूँ। फिलहाल ये हमारा फर्स्ट वीडियो है .NET का, तो आप इस वीडियो को देखें और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पर कॉमेंट करें। ये सारे नोट्स मैं वहाँ पर ब्लॉगिंग में डाल दूँगा, अपने हमारे जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पर डाल दूँगा। आप वहाँ से इन नोट्स को कॉपी कर सकते हो, एज इट इज आप वहाँ पर कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कॉपी ना करें, आप इन प्रोग्राम को लिखें। आप जब खुद से प्रोग्राम को लिखते हो कॉपी पेस्ट तो करो ही मत। एज ए स्टूडेंट आपके पास ये परमिशन मैं नहीं दे सकता कि आप कॉपी पेस्ट करें। एज ए स्टूडेंट ये आपकी जवाबदेही बनती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रोग्राम को लिखें, कॉपी पेस्ट करने की आदतों से बचें। इवन यदि आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो आप देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखो। आज के डेट में एक मॉडर्न ट्रेंड है, नॉर्मली लोग लिखने में बड़े परहेज करते हैं, दिक्कत आती है। आप इन बातों को समझें कि जब आप प्रोग्राम को लिखते हो आप कई चीज़ों को सीख पाते हो, कॉपी पेस्ट करने से आपका भला नहीं हो सकता। तो इसी वीडियो के साथ, आज ये जो संडे है और ये जो लॉकडाउन का टाइम है, आप उसमें इसे यूज़ करो। 2-3 घंटा तो आपका निकल ही जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ, और फिर मैं अगली वीडियो डालूँगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि शाम तक मैं कॉन्सोल प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट करवा दूँ। ये मॉर्निंग में मैं अभी डाल रहा हूँ, अभी इट्स 11:48, हो सकता है शाम में 4-5 बजे के आसपास मैं एक और वीडियो डालूँ आपके लिए जो कॉन्सोल प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट करवा देगा। लेकिन बेहतर यह है कि पहले आप इतना करके देखें और अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जो गवर्नमेंट कर रही है उस चीज़ को फॉलो करें, और बेहतर हम सारे लोग सेफ रहें, अच्छे से रहें, घर में रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करें, इस प्रोग्राम को आप करके देखें। थैंक्स अ लॉट। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आप .NET में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरे चैनल्स के ऊपर कई सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं। आप कुछ मत करो, आज एक काम करो, कैसेंड्रा का वीडियो कंप्लीट कर लो। कैसेंड्रा NoSQL डेटाबेसेस में काफ़ी पॉपुलर है और 2 वीडियोस में पूरी कैसेंड्रा है। आप MongoDB कर लो, आप JavaScript कर लो, 1 या 2 वीडियोज़ में JavaScript अवेलेबल है, मतलब काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। हाँ, अब आप बोलोगे आप तो अपना चैनल प्रमोट करने लगे, ऐसा है ना बॉस, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं तो आप देखोगे भी नहीं। हाँ, और रही बात भाई प्रमोशन, तो यदि मैं मान लो बना रहा हूँ तो प्रमोशन क्या भाई, बना रहा हूँ तो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप देखें। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय।